इन दोनों पार्टियों का तो देख रहे हो लड़ाई मची पड़ी है, बीजेपी में अलग लड़ाई मची पड़ी है, कांग्रेस में अलग लड़ाई मची पड़ी है। किस चीज की लड़ाई है? सत्ता की लड़ाई है, आपके लिए थोड़ी लड़ रहे हैं ये। सीएम की कुर्सी की लड़ाई हो रही है, कांग्रेस में भी सीएम की कुर्सी की लड़ाई हो रही है, बीजेपी में भी सीएम की कुर्सी, आपके लिए नहीं लड़ रहे ये लोग। और मैंने सुना है वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की बड़ी अच्छी बनती है, बड़ी दोस्ती है कि नहीं है? अशोक गहलोत पे थोड़ी सी आंच आ जाए, वसुंधरा राजे पूरी बीजेपी खड़ी कर देती है उसके लिए। वसुंधरा राजे बीच में बात चली थी, वसुंधरा राजे को हटा रहे हैं बीजेपी वाले, अशोक गहलोत ने पूरी कांग्रेस लगा दी उसके समर्थन में। तो ये अलग अलग पार्टियां थोड़ी हैं, एक ही पार्टी है, वसुंधरा राजे अशोक गहलोत पार्टी, एक ही पार्टी है। तो जिसकी मर्जी सरकार बना लो, सरकार तो इन्हीं की चलेगी, चाहे वसुंधरा राजे की बना लो चाहे अशोक गहलोत की बना लो, सरकार तो इन्हीं की चलेगी। इस बार एक ईमानदार पार्टी ले आओ, आम आदमी पार्टी ले आओ, ईमानदार सरकार ले आओ। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, भगवंत मान को भी राजनीति करनी नहीं आती, हमको पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, स्कूल बनवाने आते हैं। अगर आपने राजनीति करनी है उनको वोट दे देना, भ्रष्टाचार करना है उनको वोट दे देना, स्कूल बनवाने हैं मेरे पास आ जाना, मैं आपके बच्चों के स्कूल बनवा दूंगा, अस्पताल बनवाने हैं, सड़कें बनवानी है, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, मेरे पास आ जाना, मैं आपके लिए पानी बिजली का इंतजाम कर दूंगा। लेकिन अगर गंदगी चाहिए, नौटंकी चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, राजनीति चाहिए, पॉलिटिक्स, उनके पास चले जाना, वो मेरे को नहीं आती, हमको नहीं आती।